There is park in every neighborhood. Children play many games in the park while elders go for walks and exercises. Some people go to the park to get fresh air in winters. People might have small picnics in the neighborhood park. Park बहुत important life है, important part of life है, because park में बच्चे खेलते हैं, बड़े walk करते हैं, exercise करते हैं, कोई कोई fresh air लेने के लिए जाते हैं, और park में कभी कभी हम picnic मनाने भी जा सकते हैं. घर से खाना बना लो और एक चटाई ले लो, जाके वहाँ पे बिछा लो संडे आफ्टरनून में, और आप चटाई पे बैठ के खाना भी खा सकते हो, धूप भी ले सकते हो सर्दी के महीने में, और उसके साथ साथ खेल भी सकते हो. और इससे क्या होती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है. इस तरह से हम पिकनिक भी मना सकते हैं पार्क में जाके. राइट नाउ इम्पॉर्टेंट पीपल इन नेबरहुड, इम्पॉर्टेंट पीपल कौन कौन है? प्लम्बर. राइट, प्लम्बर क्या करते हैं? रिपेयर्स, लीकिंग टैप्स एंड ब्रोकन पाइप्स. यू नो वॉशरूम की जो भी प्रॉब्लम्स है, बाथरूम वॉशरूम्स का, या तो किचन में जो फिटिंग्स है उस फिटिंग्स का, हैंड वॉश करने के लिए जो बेसन्स वगैरह है, ये सारे काम प्लम्बिंग काम में आता है. प्लम्बर ये काम करते हैं. इंपॉर्टेंट पर्सन और एक है जो है कॉबलर, जो कि शूज़ मेंट करते हैं, शूज़ बनाते भी है और ठीक भी करते हैं. ये हमारे गली में भी आते रहते हैं. राइट, पोस्टमैन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारे सोसाइटी के. और क्या है? इलेक्ट्रिशियंस, जो हमारे घर की रिपेयर करते हैं, क्या फैन, राइट, आपके एसी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, राइट, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिशियंस. कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट जो ठीक करते हैं. उसके बाद इम्पॉर्टेंट पर्सन में आते हैं स्वीपर. स्वीपर बेटा कौन है? स्वीपर एक वेरी बहुत ही यू नो रेस्पेक्टेड पर्सन है, जिन्हें हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, बगैर सोसाइटी करते नहीं हैं. स्वीपर इसीलिए रेस्पेक्टेड है कि सफाई कर्मचारी. आप देखे हो मंथ ऑफ अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा था, पूरा वर्ल्ड उस समय रुक गया था, मगर एक इंसान, एक मतलब कुछ इंसान नहीं रुके थे. एक थे डॉक्टर, एक थे पुलिस, और दूसरे थे ये सफाई कर्मचारी. अगर डॉक्टर जैसे हमें रिलैक्स की है, पुलिस हमें मदद की है कि कहीं जगह से कहीं जगह आना जाना करे, या तो रोड पे जो लोग अननेसेसरी बाहर निकल रहे थे उनको अंदर किए थे, हमें गार्ड करते किए थे उस समय, तो ये लोग उस समय क्या किए थे? सफाई किए थे. सफाई में भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, कीटाणुस होती है, मगर उसकी परवाह बिना किए ये लोग 365 दिन काम किए थे, 30 to 30 days काम किए थे. राइट, तो ये जो सफाई कर्मचारी है, जिन्हें स्वीपर भी कहते हैं इंग्लिश में, ये इनको हमें ना कि तुम करके बात करना चाहिए, इनको भी हमें आप करके बात करना चाहिए, और इनको भी प्रॉपर रेस्पेक्ट हमें देना चाहिए. द ओके, इसके बाद क्या आते हैं? जो गार्बेज साफ करते हैं, गार्बेज कलेक्टर. राइट, गार्बेज कलेक्टर भी आते हैं, ये भी सफाई कर्मचारी में आते हैं. जो सुबह जो म्यूनिसिपलिटी से आते हैं गाड़ी, वो भी, और कुछ लोग प्राइवेट भी काम करते हैं, वो भी. नेक्स्ट आता है टेलर. हमारे घर के आसपास जो लोग स्टिचिंग का काम करते हैं, लाइक क्लॉथ्स सिलते हैं, सलवार सूट, पैंट शर्ट, वो लोग हैं टेलर्स. और क्या है? सिक्योरिटी गार्ड हमारे सोसाइटी में कम देखने को मिलते हैं, बट अगर आप ऐसे सोसाइटी में जाओ जहाँ पर लोग अपार्टमेंट पे रहते हैं, गेट मेन गेट में एक सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, क्योंकि उस अपार्टमेंट में अलग अलग फैमिलीज रहते हैं, तो अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग लोग आते हैं, कौन आना आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, उसका हिसाब भी रखना पड़ता है. तो गेट में एंट्री होता है, एंट्री में जैसे आपके क्लास रजिस्टर है, वहाँ पे भी ऐसे रजिस्टर होता है, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं उस पर रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, और ये सारे काम सिक्योरिटी गार्ड करते हैं. मॉल में सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड, जो रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक गार्ड देते हैं. राइट, वो लोग सिक्योरिटी के तौर पे काम करते हैं. इसके छोड़ ये सब छोड़ के भी काफ़ी सारे कंपनीज ऑफिसेस हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होते हैं.
ओके अब आता है लैंडमार्क। लैंडमार्क में क्या आता है, घर के आसपास कौन सा बिल्डिंग है, कौन सा मंदिर है, ये सारे आपका लैंडमार्क है, कौन सा स्कूल है। अगर किसी पत्ते पे आप लेटर लिखोगे तो उसके आसपास कौन सा फेमस प्लेस है वो आपको देखना है, उसको लैंडमार्क कहते हैं कि आपका घर नियर बाय जागृति स्कूल है, तो जागृति स्कूल आपका लैंडमार्क हो जाता है। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस को हमें साफ रखना है, राइट। हमारे जो आस पड़ोस में डार्टीनेस है उसे हमें कम करना है, पहले तो मैला जो है, मैल जो है, कचरा जो है वो उसको हमें फैलाना नहीं है, उसको आपको डस्टबिन में ही फैलना फेंकना है, कोई भी पैकेज हो उसको हमें फेंकना है डस्टबिन में। और आसपास के जो पार्क है, पार्क में जाके फूल नहीं तोड़ना है, पेड़ पौधे उखाड़ना नहीं है, पार्क भी हमें साफ रखना है। तो इस तरह से हम हमारे नेबरहुड को पहचानेंगे और उसे साफ रखेंगे, और उसके साथ साथ हम हमारे चैप्टर को कंप्लीट करके हमारा जो बुक एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करेंगे। बुक एक्सरसाइज की पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी। सो क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, रीड द चैप्टर, डू द योर वर्क, थैंक यू।